नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। ईरान से एक दुखद खबर आ रही है। ईरान का एक मालवाहक जहाज जो मंगलवार को इराक में उम कस बंदरगाह से ईरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित खुर्रम शहर के लिए रवाना हुआ था, कुवैत से इराक को अलग करने वाले एक संकरे मार्ग खोर अब्दुल्ला में यह बृहस्पतिवार को डूब गया। खबरों की माने तो ईरान के समुद्री और बंदरगाह संगठन के प्रमुख के अनुसार देश का एक मालवाहक जहाज इराक के जल क्षेत्र में डूब गया और हादसे में चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई और एक भारतीय समेत दो लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। अधिकारियों की माने तो फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि यह जहाज क्यों डूबा। इस मालवाहक जहाज पर चालक दल के 7 लोग सवार थे और इस पर निर्माण सामग्री और सेरामिक लदा हुआ था। ईरान जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार चालक दल के 4 सदस्यों को बचा लिया गया है और एक शव को निकाला गया है, बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है।